हेलो नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और हमने शुगुआंग की ज़रई कामयाबी के बुनियादी नुक्ते को पा लिया है जिसने हमें बहुत मुतासिर किया है। अब आइए इस ज़रई शहर में दाखिल होते हैं और कामयाबी के बारे में मज़ीद जानते हैं। टाइनी इब्तदाई तौर पर एक नक्शा है जो ये बताता है कि पूरे सिस्टम, जिसे हम बुनियादी तौर पर फैक्ट्री कह सकते हैं, के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या उगाया जाता है और इसके दोनों तरफ दुरुस्त मालूमात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की सतह क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, यहाँ तक कि पौधों को कीड़े और ख़तरात की तादाद तक बताया गया है। क्योंकि ये सब नामे आती है, इससे हमें सिर्फ माहौल को जानने के लिए दुरुस्त मालूमात मिल रही हैं, लेकिन इसकी मदद से माहौल को कंट्रोल नहीं किया जाता ताकि ये इन्हें नामियाती तौर पर उगा सकें। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस 4000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई 6000 टमाटर के पौधे वाली इस फैक्ट्री को कवर करने में कितने लोग काम करते होंगे? सिर्फ एक शख्स और ये पूरा साल टमाटर उगाता है। हम इस मकाम पर हैं जो शुगुआंग की कामयाबी के सबसे बड़ा राजों में से एक है। टमाटर का ये सेटअप बाहर के दर्जा हरारत से कतई नज़र दर्जा हरारत की निगरानी और इसे कंट्रोल करता है। ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए स्मार्ट डिवाइसेस भी इस्तेमाल करता है कि हर पौधे को खाद और पानी की वो बेहतरीन मिकदार मिल रही है जिसकी इसे ज़रूरत है। और दरअसल लोग यहाँ उगने वाले टमाटरों के लिए 3 गुना ज़्यादा कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो इस कदर ज़्यादा मज़ेदार हैं। और ये छोटी सी सुई इसकी कामयाबी के राजों में से एक है जिसे हम देख रहे हैं। ये ड्रिप एरिगेशन सिस्टम यानी आबपाशी का निज़ाम है और हर सुई हर पौधे को इनफरादी तौर पर बयक वक्त पानी और खाद की सही मिकदार फराहम कर रही है और इसका इन्हिसार इस बात पर भी है कि इसे कितनी ज़रूरत है। इसके अलावा हर पौधे की नशोनुमा की निगरानी की जा रही है और बयक वक्त ये ज़्यादा मौसर तरीका है कि कम खाद और कम पानी इस्तेमाल करके बेहतर नतायज हासिल किए जाएं। अब तक आप सब नहीं तो ज़्यादातर लोग पहले ही ग्रीन हाउस देख चुके हैं या जानते हैं कि इसे कैसा नज़र आना चाहिए, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि ग्रीन हाउस 260 मीटर लंबा हो सकता है और इसकी 3 मंजिलें भी हो सकती हैं? यहाँ शुगुआंग में हमारे पास यहाँ ये बहुत से हैं। अब आइए इस 260 मीटर लंबे और 3 मंजिला ऊंचे ग्रीन हाउस, जो दुनिया भर के किसानों के लिए एक सस्ता ऑप्शन है, में चलते हैं। यहाँ हमारे पास टमाटर की काश्त का एक सेटअप है जहाँ साल भर फसल होती है और दीवारें इस जगह को गर्म रखती हैं, यहाँ तक कि सर्दियों में दीवारों के अंदरूनी हिस्से में रेत होने के बायस शुगुआंग में जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे दर्जा हरारत होता है तब भी ये माहौल को गर्म रखती हैं। और तरीका ये है कि वो रेत को गर्म करते हैं और यहाँ अंदर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है जो आरामदेह है। स्क्रीन के पीछे बैठे लोग इस सब की निगरानी करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं।
मुख्तसर ये कि हमारे पास ये एक ऐसा सेटअप है जो बहुत कम खर्च है। ये ज़्यादा फसलें उगाता है जो आपके टमाटर और दीगर फसलों को कीड़ों और बैरूनी अवामिल से बचा सकता है और किसान को ज़्यादा पैसा कमाकर दे सकता है। इसलिए कम सरमायाकारी के साथ ग्रीन हाउस बनाएं।